तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग में हमें पता चला था कि पूरी फिल्म में जो निक फ्यूरी बन के घूम रहा है वो एक्चुअली में स्क्रल था, और एक्चुअली में तो निक फ्यूरी कहीं स्पेस में मजे उड़ा रहा था। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि निक फ्यूरी एक्चुअली में एक स्क्रल ही था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही? तो कैप्टन मार्वल मूवी के सीन में निक फ्यूरी कैरल डैनवर्स को ये प्रूव करने के लिए कि उस समय वो एक स्क्रल नहीं है, वो कहता है कि इफ टोस्ट इसका डायगोनली आई कांट ईट इट, मतलब वो सैंडविच वगैरह नहीं खाता अगर वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में कटा हो तो। लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि निक फ्यूरी एक ट्रायंगुलर शेप में कटे हुए सैंडविच को खा रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही एक स्क्रल था। इस पूरे लफड़े को सुलझाने के लिए हमें सीक्रेट इन्वेजन सीरीज देखने को मिलेगी निक फ्यूरी और स्क्रल्स के ऊपर।